मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नेशनल हाईवे 58 पर बने एक मस्जिद को ढहा दिया। मस्जिद पिछले 10 सालों से हाईवे पर ही बनी हुई थी, जिसे हटाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन विवाद के चलते मस्जिद हट नहीं पाई। जिला प्रशासन ने आखिरकार भारी दलबल के साथ पहुंचकर मस्जिद को तोड़ा और जगह को कब्जे में लिया। इस मस्जिद के कारण पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इसे हटवाने का अभियान सांसद संजीव बालियान ने शुरू किया था। बड़े दुख की बात है कि पिछले 10-12 वर्षों से, जब से नेशनल हाईवे बना है, एक इमारत है उसकी वजह से दूसरा पुल नहीं बन पाया। और करीब मेरे विचार से, जहां तक मेरी जानकारी है, कि 80 से 85 मौत इस पुल पर नीचे गिरने से हुई। किस तरह की इमारत है वो जो हटाई गई आज? देखिए, मुझे बताया गया कि मदरसा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 10 वर्षों से अगर जो 85 लोग यहाँ मरे हैं, आज शायद मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, आगे ऐसे एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक इमारत की वजह से पुल रोक दिया जाए और इतने लोगों की मौत हो। कितने समय से लंबित था ये पुल? मेरे विचार से ये हाईवे 2006 या 2007 में शुरू हुआ और आज हम 2017 में खड़े हैं। पिछले 10-11, जब से मैं सांसद बना, लगातार मेरे प्रयास जारी थे पिछले 4 सालों में। पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, जब भी मैंने बहुत प्रयास किया, समझाने का सबको प्रयास किया कि पुल का बनना बहुत जरूरी है, ये एक्सीडेंटल जोन है, ऊपर से गाड़ी वहाँ से आती थी नीचे गिर जाती थी। लोगों का कहना है कि ये जो मस्जिद हटाई गई है भाजपा का राजनीतिक स्टंट है। अगर 85 लोगों की मौत हुई है तो मैं तो हिसाब मांगूंगा अखिलेश यादव जी से, मायावती जी से भी, जिनकी सरकारें रही हैं। वहीं इस मस्जिद को हटवाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इमारत है गलत जगह पे, थोड़ा जोर की बोलो। आपसी समझौता से 70 के आधार में काफी समय से प्रयास था, सब लोगों ने मिलजुल कर इसमें समझौता हुआ, उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ NHI का पुल है, काफी समय से लंबित है, तो इसी पे काफी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और काफी लोगों की जान लग चुकी है। तो सब लोगों की समझदारी से और आपसी सहमति से इसको हटा दिया। तो क्या क्या था, किस तरह की इमारत थी? ये मदरसा था पीछे और आगे एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसको पूरा एक सामाजिक समन्वय के थ्रू हम लोग ये कर रहे थे। ये बताया जा रहा है कि भाजपा ने ये अपने राजनीतिक स्टंट खेला है प्रशासनिक, क्योंकि पिछले कई साल से भी नहीं हटाई गई। कोई रोल नहीं है इसमें, राजनीतिक मुद्दा कोई नहीं है इसी में, किसी का कोई रोल नहीं है राजनीतिक रूप से, एक सामाजिक तौर पर सभी का प्रयास है। मस्जिद के कारण पुल का पूरा निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसे रेलवे लाइन के ऊपर बने इस फ्लाईओवर पर वन वे ट्रैफिक गुजरता था, जिस वजह से हाईवे बनने के बाद से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में तकरीबन 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार पवार की रिपोर्ट।